सारण में पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर निशाना साधा। महागठबंधन सरकार के बनने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने का जो भय था वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है, उन्होंने ऐसा कहा। जन सुराज पदयात्रा के दौरान सारण में पत्रकार वार्ता के बाद ध्यानतर राज्य सरकार की विफलताओं को गिनवाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले एक महीने से एक बात जो सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही थी वो है कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होना। ये बात सिवान में बहुत सुनने को मिले, उसके बाद फिर सारण छपरा में भी सुनने को मिल रहा है। हर दिन लोग कहते हैं, हर दिन लोग मिलने के समय ये बताते हैं कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद जो डर लोगों के मन में था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही उन्होंने कहा कि लोग अपने आसपास की घटनाओं का जिक्र करते हुए गोलीबाजी, मर्डर, अपहरण, रंगदारी और हत्या के बारे में बताते हैं। पिछले एक महीने दो महीने से सिवान के बाद से मैं जो सुन रहा हूं वो बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सिवान में ये मैंने बात बहुत सुनी और अभी छपरा भी जब से मैं घुसा हूं हर दिन मुझे लोग बता रहे हैं कि एक जो भय था कि महागठबंधन की सरकार में के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों में वो चीज भय थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोग बता रहे हैं, अगल बगल की घटनाओं का जिक्र करते हैं, फायरिंग का, मर्डर का, अपहरण का, रंगदारी का। तो ये चीज मैं सिवान से सुन रहा हूँ, चंपारण में मुझे ये सुनने को इतना नहीं मिला था, लेकिन सिवान में सुन रहा हूँ, सुना मैंने 35-40 दिन में, और अभी जब से मैं सारण छपरा में आया हूँ यहाँ पर भी ये बात सुन रहा हूँ। मोटे तौर पर अगर मैं आपको कहूँ तो पूरे 165 दिन में जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता।